खबर वही जो वतन के काम आए, खबर वही जो हिंदुस्तान को जगाए, खबर जिसमें देश हो सबसे पहले, खबर जो भारत का भविष्य बदले। सड़क मरम्मत कार्य के लिए सरकार ने भले ही लाखों रुपए की स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन इस निर्माण कार्य को मापदंडों के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। सड़क के मरम्मत कार्य में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है, साथ ही जिस रफ्तार से इस घटिया मरम्मत कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, ठीक उसी गति से सड़क मरम्मत के साथ ही उखड़ती जा रही है। धरम जयगढ़ से पथलगांव तथा रायगढ़ रोड की सड़क में जहां बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, लोगों को आवागमन करने में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं इस रोड के मरम्मत कार्य भी इन दिनों शुरू किए गए हैं, पर रोड की स्थिति देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि मरम्मत के नाम पर सिर्फ लीपापोती की जा रही है। एक तरफ जहां प्रशासन इस ओर उदासीन है, वहीं इस रोड के मरम्मत कार्य में घोर लापरवाही बरती जा रही है। स्टेट हाईवे की इस खराब सड़क को लेकर संबंधित विभाग इन दिनों मरम्मत कार्य तो जरूर करवा रहा है, लेकिन इसे महज दिखावा ही कहे तो उचित होगा, क्योंकि सड़क के जिन गड्ढों पर डामरीकरण किया जा रहा है वो महज कुछ मिनट बाद ही पीछे से उखड़ती जा रही है। और इस घटिया मरम्मत कार्य का नजारा पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने ही देखा जा सकता है। कुल मिलाकर लीपापोती कर संबंधित विभाग केवल अपनी मलाई का टारगेट पूरा करने में लगा है। धरम जयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट।